प्रेरणा हाजरा लहरा रही है पूरे झारखंड में धनबाद का परचम। प्रेरणा को बचपन से ही पसंद था फोटो खिंचवाना। अब आलम यह है कि प्रेरणा को हर कार्य फोटो खिंचवा देती है। आपको बताते चले कि हाल में हुए मिस्टर एमबीसी झारखंड प्रतियोगिता में मिस झारखंड चुनी गई। ऐसे तो प्रेरणा एमबीबीएस सेकेंड ईयर छात्रा है, पर इन्हें फोटो खिंचवाने का शौक बचपन से था, जो आज इन्हें मिस झारखंड बना दी है, जिसे कि इनके परिवार वालों के साथ साथ धनबाद का भी नाम रोशन हुआ। मैं छोटे से ही मॉडलिंग मॉडल बनना चाहती थी। ये छोटे से मुझे फोटो खिंचवाना, ऐसे पोजेस देकर फोटो खिंचवाना, रैप वॉक करना, ये सब बहुत पसंद था। तो मैं सपना रहा है जो आज मैं जी रही हूँ। तो आखिरकार मेरा, मुझे हमेशा से डॉक्टर तो बनना ही था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स डॉक्टर हैं, मैं एक डॉक्टर की फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पर मॉडलिंग तो छोटे से सबको पता ही था कि मैं आगे जाकर मॉडल बनूंगी। मेरे को पहले तो अपने देश आवाम के लिए एक आवाज़ बननी है, अपने देश के लिए कुछ करना है, लड़कियों के लिए कुछ करना है, लड़कों के लिए भी कुछ करना है। तो टू स्टार्ट विथ मैंने अभी सोचा है कि पहले तो लड़कियों को एजुकेट करूँ, पहले उनको इस जिस लाइन में मैं चली हूँ उस लाइन पर उन्हें भी ले चलूँ। जब मैं पहली बार कॉलेज गई ये ऑडिशन देकर, जब मैं सेलेक्ट हो गई थी तो अराउंड 30 लोग सेलेक्ट हुए थे, 30 लड़कियाँ। तो जब मैं कॉलेज आई तो फेसबुक हर सोशल मीडिया में आ गया था, न्यूज़ में आ गया था। तो जब मैं स्कूल गई, मेरे टीचर्स, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, सब ने कहा कि तुम कर लोगी। तो तब जब पहली बार बहुत डर लगा था, जब मैं सेमी फाइनलिस्ट बनी, और जब फाइनलिस्ट बनी तब मेरे दोस्तों ने मुझे कहा, लाइक स्पेशली जो लड़कियां थी, ठीक है, वो सब ज़्यादातर बिहार से है, झारखंड से है जो मेरी दोस्त है यहाँ, उन्होंने कहा तुम सच में प्रेरणा बन रही हो दूसरों के लिए। और उन्होंने कहा कि मुझे, मेरी रूममेट ने कहा था कि तुम मेरे लिए एक इन्फ्लुएंस हो, तुमने मेरी लाइफ में एक इन्फ्लुएंसर का काम किया है, तुमसे मैं इन्फ्लुएंस हो रही हूँ और मैं चाहूँगी कि तुम आगे जाकर कुछ करो दूसरी लड़कियों के लिए। आप मेरे पूरे हॉस्टल, हर जगह मुझे देखकर 2-3 लड़कियाँ और मॉडलिंग के फील्ड में उतरी है। मॉडलिंग क्या, एक लड़की ने अभी हाल ही फिलहाल थोड़ी प्रेरणा लेकर किताब लिखी है, और मैं आई होप कि शी डज वेल। मेहनत करें, पॉजिटिविटी रखे, सपोर्टिव रखे, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल जब ये मैं जीती हूँ तो थोड़ा सा ऐसा रहा है कि कुछ जो लोग निराश हो गए, मेरे जो भी कोलीग्स हैं उनको मैंने कहा कि ये एक अंत नहीं है, अब अगले साल भी आएगा मिस झारखंड, आप अगले साल भी ट्राई कर सकते हो। किस्मत किस्मत की बात थी, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बन गई। नमस्ते, हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस आप सबको, एंड थैंक यू आपकी ब्लेसिंग्स के लिए।